गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन चिल्ड्रन आई हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर चैप्टर सेवन द फैमिली ऑन द रूफ बाय लक्ष्मी भवानी एंड आई हैव कंप्लीटेड दिस पेज एंड वी हैव कंप्लीटेड टिल हियर एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द स्टोरी एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल टुडे आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर सो लेट्स स्टार्ट अ लेसन द पीहन कंटिन्यूड टू विजिट विदाउट लूजिंग होप One afternoon, I heard my mother calling out to me. I ran upstairs. I saw a teeny-weeny chick next to its mother. I ran in to get the camera. And just at the moment, the peahen got up and another itsy-bitsy chick was there. They followed their mother and while we were looking at them, the peahen flew from the roof onto the ground. One chick followed. I just stared at it, taking such a flight from the balcony. It was indeed not a small height for a baby chick. How would it come up again? So children, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि लक्ष्मी भवानी जो हमारी ऑथर है उनके घर में एक पीहन आ गई है और उसने कुछ अंडे दिया है और suddenly a cat came and snatched one of the egg. एंड जैसे ही ऑथर ने लाउडली शॉट किया द कैट ड्रॉप्ड द एग एंड इट ब्रोक सो द ऑथर फेल्ट दैट दिस वुड नॉट हैपन अगेन अब क्या होता है पीएन रेगुलर उनके घर में आती थी कंटिन्यू टू विजिट विदाउट लूजिंग होप वन आफ्टरनून उन्होंने सुना उनकी मम्मी उन्हें आवाज दे रही है और जैसे ही वो ऊपर गई वो देखी वहां पे छोटे छोटे टीनी वीनी मीन्स वेरी स्मॉल टीनी वीनी चिक्स अपनी मम्मी के बगल में है छोटे छोटे चिक्स है और वो जल्दी से अंदर गई कैमरा लाने के लिए और उतने ही देर में जब पीहन वहां पे थी जहां से पीहन उठी तो वहां पे और भी इट्सी बिट्सी मीन्स वेरी स्मॉल इट्सी बिट्सी चिक वाज देयर मतलब पीहन के अगल बगल भी छोटे छोटे चिक थे और जहां पे पीहन थी जब वो वहां से हटी तो उसके नीचे भी छोटे छोटे चिक्स थे दे फॉलोड दे मदर जैसे जैसे उनकी मम्मी पीहन जिधर जा रही थी वो भी उधर ही जा रहे थे और जैसे ही उन्हें देखा कि उनकी जो मदर है पीहन है वो रूफ से फ्लाई करके ग्राउंड पे आ चुकी है तो एक चिक उनको फॉलो कर दी वो भी रूफ से उड़ करके ग्राउंड पे आ गया और ऐसे करके जस्ट स्टेयर्ड एट इट टेकिंग और जो ऑथर है वो कह रही है कि मैंने ये बहुत मतलब वो इतने चिक इतने छोटे थे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था वो इतना लंबा स्टेप्स लेकर कैसे फ्लाई कर पाए और वो सोचती हैं कि ये छोटा स्टेप नहीं है इतने हाइट से एक बेबी चिक कैसे फ्लाई कर सकता है और वो फिर से ऊपर कैसे आएगा वो यही सब चीजें सोच रही है द मदर पीहन फ्लू बैक अगेन एंड फ्लू डाउन वंस अगेन द अदर चिक which was just standing on the edge followed. We were all looking at them, wondering how they would fly back again. The peahen walked toward the hedge and out of our house with her chicks following her. I asked my mother how the minutes-old chicks could fly from such a height. She smiled and answered that it was the trust the chicks had on their mother. अब क्या होता है? फिर मदर पीहन जो थी, वो फिर से fly back करके रूफ पे आ जाती है और फिर रूफ से फ्लाई बैक करके फिर से ग्राउंड पे चली जाती है और जो चिक थे वो भी वही कर रहे थे जो उनकी मदर कर रही थी अदर चिक वाज आल्सो फॉलोइंग और ऑथर जो थी लक्ष्मी भवानी और उनकी मम्मी ये सब बहुत ही लक्ष्मी भवानी बहुत ही हैरान से उसे देख रही थी अब वो सोच रही थी कि वो फिर से फ्लाई बैक कैसे करेंगे फिर हेज मीन्स चिल्ड्रेन अ रो ऑफ बुशेज इन अ गार्डन गार्डन में जो बुशेज होते हैं ना झाड़ी वाड़ी वो तो मदर पीहन जो थी वो बुशेज की तरफ चलने लगी और जितने उनके चिक्स थे वो भी उनको फॉलो करके उधर ही चल दिए तो फिर जो ऑथर है वो अपनी मम्मी से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है जो मिनट ओल्ड चिक्स है जो अभी अभी बस एक से हैच हुए है वो लोग इतना हाइट तक कैसे फ्लाई कर सकते हैं तो उनकी मम्मी हंसते हुए स्माइल करते हुए उन्हें आंसर देती है कि वो उनकी चिक्स का ट्रस्ट है अपनी मम्मी पे ताकि वो ऐसे चल रहे हैं सो
उनकी मम्मी कहती है कि ये जो ट्रस्ट है, इट वॉज अ ट्रस्ट द चिक्स हैड ऑन देयर मदर. चिक्स का जो ट्रस्ट है उनकी मम्मी पे, ये वही है. सो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द स्टोरी. सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द आंसर दीज क्वेश्चन, यू विल गेट इन योर पीडीएफ इन योर नोटबुक. थैंक यू.